कानपुर में सपा नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा को पुलिस ने नजरबंद किया। महोबा में हुई व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के बाद परिजनों से मिलने जा रहे थे ओम प्रकाश मिश्रा। जूही आनंदपुरी स्थित आवास पर सपा समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसमें सपाइयों ने जोरदार तरीके से सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें, सीओ बाबूपुर व मौके पर पहुंचे और फोर्स के साथ पूर्व नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र और समर्थकों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए सपाइयों को संजय वन स्थित अधिकारी छात्रावास में ला करके नजरबंद किया गया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे हम लोग कबरई महोबा जा रहे थे। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है, इंद्रकांत त्रिपाठी की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई और उन्होंने अपने हत्या के अपना वीडियो भी एक वायरल किया था और उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी क्रम में हम लोग इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने जा रहे थे, उनको सांत्वना देने। दुख की इस घड़ी में इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। हम लोग इसी के लिए जा रहे थे। आखिर क्या वजह रहा जो आपको गिरफ्तार किया गया? आज कानपुर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर सीओ बाबूपुरवा ने हम लोगों को जबरन रोका और गिरफ्तारी की और हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ संजय वन में रखा गया है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, हम उसके प्रतिनिधि के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हम महोबा जा रहे थे। आज मैं कहूंगा लोकतंत्र की हत्या सही मायने में आज कानपुर के अंदर हुई है और हम लोग समाजवादी सिपाही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूं, अगर आप जो बौखलाहट में ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह आपसे नाराज हो गई है और सूबे की जनता ने जो बीजेपी जनता के खिलाफ काम कर रही है उसको देख करके समाजवादी पार्टी की तरफ जो जनमानस का झुकाव बना है, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जो झुकाव बना है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जहां भी जा रहे हैं, हजारों लाखों दसों हजार बीसों हजार की भीड़ बिना बुलाए हो रही है। ऐसे में यूपी की सरकार बौखला गई है, उनको यह लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक करके हम इनकी विजय को रोक देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार और बीजेपी की हुकूमत माननीय अखिलेश यादव जी के विजय रथ को अब रोक नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2022 में सिर्फ अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश यादव। दोबारा जाएंगे आप महोबा? हम अभी भी महोबा जाने के लिए तैयार हैं और मैं कहना चाहूँगा प्रशासन ने जो गलती की है उसमें सुधार कर ले और हम लोगों को जाने दे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं और समाजवादी विचारधारा एक रही है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। ठीक है।